लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत मुबारक हो रंजीत। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। आई आप बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। आइए सर, थैंक यू सर। बस आपके आने के थोड़ी देर पहले मुझ जैसा अच्छा पति हुक करने की खुशी में इन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पुलिस शहीद जवानों की विधवाओं के वेलफेयर फंड के लिए ये फर्स्ट क्लास डांस का प्रोग्राम 16 अगस्त को देंगे। क्या? बताता हूँ। देखिए सर, औरतों को भी अपनी तारीफ सुनने का कितना शौक होता है। आप भरतनाट्यम और कथक की शास्त्रनी है क्या? शास्त्री का फीमेल जेंडर में नहीं जानता। और देखिए सर, ये भी बताने को कह रही है कि उस रोज ये दुल्हन की तरह वीर बहुती बनी स्टेज पर आएंगी। ये वीर बहुती क्या होता है बेटा? वीर बहुती माँ, वीर बहुती तुम्हारी बहू की तरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मखमल की तरह प्यारा सा कीड़ा होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत ही फूल जैसा प्यारा खूबसूरत कीड़ा ही तो होता है। तो इस शो के लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आपका शुक्रिया अदा देता हूँ। अरे सर, अभी शुक्रिया अदा मत कीजिए, वरना ये कहेंगी कि शुक्रिया तो वसूल हो गया है, शो करने की क्या जरूरत है। आउच! सर देखिए, ऑफिसर ऑन ड्यूटी पर हमला किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, शादी बजाने दीजिए, फिर देख लूंगा। काली पारियों की दाहिनी तरफ देखा गया, अगर आप इजाजत दें। नहीं नहीं, मैं खुद उसे पकड़ूंगा। डैडी, एक जरूरी काम है, मैं अभी जाकर। तुम छुट्टी पे हो, आप लोगों का भी कमाल है, चले आए जरूरी काम लेकर। हम कभी छुट्टी पर नहीं होते, विदाई कर लीजिएगा। We'll be right back.
आज तक मुझे किसी ने गाली देने की हिम्मत नहीं की। आदमी काफी कड़क हो, मुझे छोड़ने का क्या लोगे? आज तक मुझे किसी ने रिश्वत देने की हिम्मत नहीं की। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मुझे आज तक किसी ने धमकी देने की हिम्मत नहीं की। डीएसपी रंजीत सिंह, शायद तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी उम्र की लकीर कितनी छोटी हो गई है। ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरे सामने तुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। चल Well done, Ranjit. Well done. I'm proud of you. आज तुमने उस आदमी को गिरफ्तार किया है जो बरसों से कानून का मजाक उड़ा रहा था। Congratulations. Thank you, sir. तुम्हारी बीवी बहुत मुबारक साबित हुई है। मेरे लिए या कानून के लिए? है, दोनों के लिए। कानून को बलबीर जैसा नोटोरियस बदमाश मिल गया और तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगी। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। इसे संभाल कर रखना। सर आप जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। वहां सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। रंजीत सिंह, इस जिल्लत का कर्ज तुम सूद समेत उतारोगे। नहीं, इसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तुम्हें फांसी चढ़ाने वाला हूं। अरे भाई साहब आप। दरअसल मैं, भाई साहब, मैं अपनी बेटी शीला के बगैर अकेला नहीं रह सकता, इसलिए कुछ दिनों के लिए आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। जरूर जरूर, लेकिन एक शर्त। वो क्या? पहले मेरे जैसा मोटा बम होना पड़ेगा। लेकिन मेरी बेटी और दामाद नहीं दिखाई देते। आप भी कैसी बातें करते हैं भाई साहब, शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन कहाँ हो सकते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वासा, इस लड़ाते में तो फटाफट गाने गाया करती थी, अरे सागरात के बाद जरा भी कोऑपरेट नहीं करती। माना कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन होंठ भी तो नमकीन है। भाई साहब आप ही कोशिश करें तो कुछ हो रहा। अब हम कुछ करवा दीजिए। अच्छा अच्छा हाँ।
साथ जलाते हैं सब। आवाज़ें कैसी? सब लोग पटाखे जला रहे हैं ना? नहीं, ये पटाखों की आवाज नहीं हो सकती। मुझे बलबीर चाहिए। बलबीर? किस लिए? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, उसके हाथ बांध कर मेरे सामने फेंकना होगा। काम कुछ टेढ़ा है मैम साहब। मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, 10,000, 20,000। आप मुझे 15,000 दे सकती हैं? मैं हर खास काम अपने बड़े ही जिगरी दोस्त के साथ करता हूं और उसे लाने के लिए उन रुपयों की सख्त जरूरत है। अतेल होने के हर कुछ नहीं यार, तला जेलर से जरा लफड़ा हो गया, इसीलिए कहता हूँ गुरु कि अकेले अकेले जेल मत आया कर। साला जब भी अकेले आता है कोई ना कोई लफड़ा झगड़ा कर ही लेता है। सजा हो जाने दे, 6 महीना भी टिक गया ना साले जेलर को छठी का दूध याद दिला दूंगा। साला पब्लिक सर्वेंट होकर पब्लिक से पब्लुबाजी करता है। तुझे सजा नहीं होगी, जुए खाने के मालिक को हमने तोड़ लिया है, वो तेरे खिलाफ बयान नहीं देगा बे। क्यों किया ऐसा? कुछ दिन आराम कर लेता। अबे अभी जो काम हाथ में लिया है वो मैं अकेला नहीं कर सकता, वो काम खत्म करने के बाद हम दोनों इकट्ठे 4-6 महीने की छुट्टियां मनाने यहाँ चले आएंगे। ए, क्या करते हो? रो रहे हैं, रो रहे हैं। नमस्ते कपूर जी। नमस्ते शीला जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। मीना कब आ रही है? छुट्टियां तो हो चुकी हैं, एक दिन में आने वाली होगी। शीला जी, ये मोटरसाइकिल की आवाज
मुझे अच्छी नहीं लगती। ए पप्पू बंद कर ये शोर। आओ आओ खरू मैम आओ। ये इस डिब्बे में क्या छुपा के रखा है? हलवाई के यहाँ से दही लाई हूँ। दही के बिना निवाला नहीं टूटता जानू का। नमाज से लौटते ही पूछेगा अम्मा दही लाई? दही और नमाज के सिवा और कुछ नहीं सोचता उसे। अनु आज क्या मांगा अल्लाह मियां से? पिछले दो साल से हर नमाज के बाद मैं तुम्ही को मांगता हूँ। दुनिया में मांगने लायक और कोई चीज है भी नहीं। खाली अल्लाह मियां के आगे हाथ फैलाने से मैं नहीं मिलने वाली। मेरे चचा मियां के आगे भी तो हाथ फैलाओ। तुम जानती हो बानू, बलबीर और उसके आदमी इस बस्ती के दुश्मन है और मैं अकेला उनसे निपट नहीं सकता। पता नहीं कब किस वक्त वो आंधी की तरह हमारी खुशियां मिटाने आ जाएं। साले हराम साले, इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है? ये जानू हैदरी का हाथ है और मौत के सवा को नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे बाप ने लगता है साला नया आया है। ए भैल, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? चल जी फटा। अबे ओ मरियल, साले अपनी खैर मना, मैं यहाँ पे तुम लोगों की मौत बंद कर आया हूँ, समझे? आजा बेटे, बेटा हम सबकी मदद के लिए अल्लाह ने तेरा एक भाई भेज दिया है।
आक्रोश की औलाद गिरफ्तार कर लो इन सबको ले चलो इन्हें साल भाग नमस्ते थैंक यू तुम तो कह रहे थे कि तुम ये काम अकेले में नहीं कर सकते हो लेकिन काम तो तुमने बहुत अच्छा किया मगर फिर भी तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है दोस्त जेल में बस बाहर आने ही वाला है क्या सुर में बज रहे वाह अरे जोनी कौन समझ रहा है यार गुरु कोई लड़की है मोटरसाइकिल पे अरे लड़की है क्या हवाई जहाज रुक गए अबे तेरी गाड़ी तो मेरे जैसी है जहां लड़की देखी वही रुक गई जा रही थी जाने मन तेज चलाना कानून के खिलाफ है बिल्कुल छोड़ दो मुझे छोड़ दो इतनी जवारी कहां चलाई हो कोई बैंक लूटा है क्या मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे छोड़ दो उसे इसको बोल दे
एक कुत्ते के मुंह से हड्डी निकालना आसान है, लेकिन जैकी के हाथ से लड़की लेना असंभव। अच्छा, अरे जाना, अपना टाइम काहे को खराब कर लेना है। ले थैंक यू। बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ। बेहोश। हाँ, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किला? ये जगह तो मैंने नहीं देखी, लेकिन अशोक किला देखा हूँ। हाँ। ये क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? शुक्रिया। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? ओ, आती है, लेकिन क्या है कि आपकी तरह खूबसूरती से नहीं आती। ओ, I'm sorry. अरे आप साड़ी की क्या बात कर रही हैं? जब पतलून पहनिए तो साड़ी क्यों चाहिए? लेकिन आप मेरे साथ क्यों आ रहे थे? आपकी टैक्सी तो वहाँ खड़ी है ना? जी, टैक्सी तो वहाँ खड़ी है, जिराई बार बेहोश है, जंगल का इलाका है, मैं अकेला हूँ, जरा जल्दी में हूँ अगर आप। ठीक है, बैठ जाओ। शुक्रिया। अरे व्हाट आर यू डूइंग, हाथ छोड़कर बैठो। क्या कि पहली बार फटफट में बैठा हूँ, गिर गया तो मुश्किल होगी। बस हर बार मौला हूँ, सब कुछ आता है मेरे को, सिर्फ दो ही चीजें नहीं आती, एक आपकी तरह अंग्रेजी बोलना, दूसरा फटफटी चलाना। आपकी पकड़ू? पकड़ लो। लेकिन तुम जा कर रहे हो? जी, पहले तो मैं भक्तपुर जा रहा था, लेकिन अब आप जा जाएंगे? हाँ? मैं भी भक्तपुर ही जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। बल्लू आ गया दोस्त। सवेरे सवेरे विलायत जी मार दी। शाबाश। एक मिनट, ये तो बता, ये महारानी है कौन? आहिस्ता बोल आहिस्ता। ये महारानी वही है जिसने तुझे छुड़ाने के लिए 15,000 रुपए मुझे दिए थे। काम? काम कि इस इलाके के सबसे मशहूर बदमाश बलबीर को पकड़ के इसी महारानी जी के कदमों में डालना है। हो जाएगा। देखो ये है ब्रेक। क्या? ब्रेक खड़ा करने के लिए। स्टैंडिंग अप। नहीं नहीं, स्टॉपिंग स्टॉपिंग। मतलब खड़ा करने के लिए। लेकिन खड़ा तो है। हाँ है, चलो शुरू करते हैं। नहीं, आगे आगे। हाँ अब देखो, यहाँ किक मारो। किक किसको? उसको नीचे जो है, शुरू करने के लिए किक मारो। अरे जरा जोर से दब लगाओ। हाँ अब गियर में डालो। क्या, किस में डालो? हाँ देखो, इसको दबाओ और इसको ऊपर करो। ओ अब मेरा हाथ छोड़ो। अब धीरे से छोड़ो और आगे चलो। गिर गया। हटाओ हटाओ।
इस वह बात कहां से आ गया? जल्दी चलो। क्या हुआ? देखो जल्दी से मुझे सिखा दो, नहीं तो कोई और मुझे सिखा देगा। बैठ जाओ। और तेज। Stop! Huh? I said stop! Yeah? Stop it! You cheat? झूठे धोखेबाज? क्या हुआ? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है? आती? वो हाँ, ये तो आती है, लेकिन एक चीज नहीं आती, वो तुम सिखा दोगी तो बहुत अच्छा होगा। वो क्या? इंग्लिश। संडू मंडू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ब्लडी फूल, ये बस्टर। झूठे हो तुम, तुम्हें इंग्लिश भी आती होगी। तुम जैसे धोखेबाज से मेरा कोई वास्ता नहीं है? सुनो,
बना रहा हूं बाबूजी, याद करोगे? जाओ स्वर की औलाद को ढूंढ के लाओ, जल्दी जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पप्पू। हाँ, बहुत अच्छा नाम है।
मेरे पास आ बेटे, है इतना बड़ा घंटा। बोल, कहाँ है वसुआर का बच्चा? बोल, कहाँ है वसुआर का बच्चा? अरे बोलता है कि नहीं? खबरदार, देखता नहीं, मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। अंधेरिया। क्या कहा? सुअर का बच्चा? वो मेरा भाई है। पप्पू को पकड़ लिया है, वो उसे मार डालेगा। नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। डैडी, नहीं बड़ी कसम, तू ऊपर जा, मैं जाता हूं। मैं मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, इसके साथ खेलने का दिल करता है मेरा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। कहाँ है वो सुअर की औलाद? नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, अगर मालूम होता तो भी नहीं बताता। जवानी में मरना चाहते हो बेटा? मौत का दिन तो अल्लाह मुकर्रर कर देता बलबीर, तू मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन शहीद करबला की कसम, मेरे बदन के हर टुकड़े से तेरे सवाल का यही जवाब आता रहेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ले इसे। छोड़ क्या औलाद, मेरे दस गिनने से पहले अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन सबको घूम के खत्म कर दूंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। Thank you.
क्या किया आपने? मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि बलबीर को तुम जान से नहीं मारोगे। बलबीर की मौत मुझ पर उधार है रघु। ये उधार आपके जीवन पे बोझ बन चुका है, मैं उसे सुनकर हल्का करना चाहता हूं। कल वो चैरिटी शो है ना जी साहब? नहीं, वो शो तो हम पोस्टपोन करने जा रहे हैं। क्यों? नहीं चलिए शीला जी, इन हालात में हम आपको कल डांस का शो देने को तो नहीं कह सकते। अब तो मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की विधवा हूँ, ये शो भी मेरा है और है भी मेरे लिए, और रंजीत की भी यही ख्वाहिश थी। और देखिए सर, ये भी बता रहे हो, कह रही है कि उस रोज ये दुल्हन की तरह भी बहुत ही बनी स्टेज पर आएंगी। Yeah.
ये कहने आया हो कि तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? दया आपके दर्द का अपमान है। हमारा नाम बेशक रघुनाथ शास्त्री है, मगर हम है जाहिल निभट, हम गुंडा आदमी हैं। मगर इस वक्त आपसे ये कहने आए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खून से आपके आत्मा के एक घाव को धोकर साफ करेंगे, और इस सेवा के बदले आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। ये समझिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमने आज कैंसिल कर दिया। आज से वो लड़ाई हमारी लड़ाई है। अब तुम अकेले चलाओ। अकेले? हाँ। ना बाबा, मुझे घोड़े से बहुत डर लगता है, प्लीज। अरे कमाल है, घोड़े से ज्यादा बाबा तो कोई जानवर है। चलो तुम ये समझ के घोड़ा चलाओ जैसे तुम मेरे कंधे पे सवारी कर रही हो, मतलब मेरे कंधे पे सवारी। मतलब नो डरोइंग? नो डरोइंग ना, फिर चक्कर लगाओगी। बल्लू, बल्लू मैं गिर जाऊंगी, मुझे बचाओ। लोगों की मरहम पट्टी कर जाता हूं। रघु भैया, रघु भैया, बल्लू बल्बी के आदमियों के पीछे गया है। कहाँ है वो? सफारी पार्क। सफारी पार्क। दोस्तों एक काम करते हैं, जिस नौजवान के हाथ से ये बम इस हरामजादे पर फटेगा वो नौजवान
इस दुल्हनिया के साथ सुहाग रात मनाएगा। तेरे किस्मत में मेरे ही हाथों मरना लिखा है। आराम ज़ादे, अगर जरा भी हिला तो मैं तेरे आदमी को गोली मार दूंगा। जो साला मेरे दुश्मन के सामने हाथ बांधे खड़ा है, मेरे लिए वो गया। बल्लू कहाँ है? दवाई लाने गया है। आई परिचय कराई, ही फ्रेंड पप्पू, ही फ्रेंड रघु। हेलो दोस्त, अब इसे आंख मारना शुरू कर दिया? जब मैं तुम्हारी तरह गुस्सा मारना सीख जाऊंगा ना, तो मैं आंख मारना छोड़ दूंगा। अरे तू क्यों हंस रहा है भाई? जब दोस्त हंस रहे हो तो आदमी को वजह पूछे बिना ही हंस देना चाहिए। करेक्ट। आप कैसे हैं? बलबीर को शीला देवी के कदमों में डाले बगैर मैं मर नहीं सकता, इसलिए अच्छा मगर जल्दी से जरा अच्छे हो जाइए। जल्दी क्यों भाई? वो जल्दी है बिरादरान की एक दी शादी की तारीख सर पे खड़ी है, उसी का इन्विटेशन देने तो आए थे। वाह, फिकर ना करो कपूर साहब, फिर तो हम इस हाल में हुल्ला मचा लेंगे। मार्शल, आज भक्तपुर में जानू और बानू की शादी है। शादी यानी कि सुहाग रात? हम सब सुहाग रात मनाएंगे। जोरबाज की जबरदस्त का जबरदस्त का। Bam 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 b
था मेरे यार। दुल्हन को खाना खिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। चल बेटी घर चल। बेटी नहीं नहीं अम्मा नहीं, पहले तुम खाओ। तुम लड़कियों को अंदर लेके जाओ, मां भी देख क्या है। चलो बेटी चलो चलो। खराब है, बंद कर दो इसकी आवाज। कैप्टन टेक ओवर, मैं जरा दुल्हनिया को देख कर आता हूं। अरे तू क्यों सामने आ गई? आज तो मैं खरे सोने की उस थाली का उद्घाटन करने जा रहा हूं, हजार रास्ते से। आगे बढ़कर देख। अरे दुल्हनिया के कपड़े पे तेरे खून का दाग पड़ा तो क्या मजा आएगा।
आज मैं जानू की तरफ से जश्न मनाऊंगा। मैं मनवाती हूँ तेरी सुहागरात। तुम्हें मेरे पांव नहीं छूने चाहिए। लुकाओ तो मेजरान। यही हाथ पड़ा था ना पानू को छूने के लिए। मैं इन हाथों को तोड़ के रख दूंगा सालिम। खुदा के लिए मत मारो मेरे बेटे को। ऐसा मत करना। इस जालिम की बात मत मानना। अपनी आप को मत लुटाना। खुदकुशी कर लो। मर जाना। खिलाफ सर ना उठाना कायरता है डैडी। भक्त कपूर के पास से हो। बलबीर के साथ जो भी झगड़ाता है उसका यही आचरण होता है। रबाज की जबरदस्त पीछा करो उस पंछी का।
तुम्हारे सामने तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी है मां, उसकी दुल्हन की लाश पड़ी है मां, और तुम रो नहीं रही हो मां। अगर अपने बेटे बहू के लिए अगर तुम नहीं रोओगी तो हम क्यों रोएंगे? कोई नहीं रोएगा मां, मां कोई नहीं रोएगा। के कहने के मुताबिक काली पहाड़ी के पीछे बलबीर छुपा हुआ था, फिर कौन आया था? यहां कौन आया था? यहां कितने दो मतलब की चाल ली वो लोग मेरी बीना के पीछे गए। क्या कर ले गया हराम जादे? बल्लू 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 आखिरी दीदार कि लाश लावारिस नहीं है। बलबीर पर ये दोनों मौत उतार रही है। हम तुम्हारा अपना लेने के लिए ही जिंदा रहेंगे जानो।
रघु भैया, बलबीर पप्पू को उठाकर ले गया था उसी की जान बचाने के लिए। कपूर साहब को जानू और बानू की जान लेनी पड़ी। जानू भी किसी का बेटा था कपूर साहब, बानू भी किसी की बेटी थी, इसीलिए तो शर्म के मारे मेरा सर झुका जा रहा है। इन्हें माफ कर दीजिए रघु भैया। इनसे कहो कि उन दोनों कब्रों से आकर माफी मांगे। चलो इस कसूर के बदले में चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे पप्पू को बचा लो, मेरे पप्पू को बचा लो। अब एक काम करते हैं, कपूर साहब को एक चिट्ठी लिखो। आदरणीय कपूर साहब, यहां पर सब कुशल मंगल है, आपकी कुशलता की भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं। आगे समाचार यह है कि आपका छोटा नन्ना सा मुन्ना पप्पू हमारे पास है, और इत्तेफाक से 4 दिन बाद इस गरीब का जन्मदिन है। अगर पप्पू की जिंदगी चाहते हो तो अपनी सुपुत्री कुमारी मीना कपूर को सजा धजा कर हरी घाटी में भेज दे। अरे कपूर साहब, तो इसमें इतना हाथ पर फैलाने की क्या बात है, मेरा आवाज जरूर जाएगी, लेकिन बलबीर के लिए हमराज का दूध बनकर। कल सवेरे जब वापस जाना तो पप्पू को साथ लेकर जाना, तब तक मेरे जन्मदिन के अवसर पर तुम नाचोगी और मुझसे प्यार करोगी। I'm
जा, अस्पताल चला जा। मैं तब तक नहीं रोकता हूँ। पागल हो गया, मैं तो जाकर ना छोड़ के जाऊंगा क्या? देख, गोली का जहर फैल गया ना तो मीना की जान को खतरा है। जा, जल्दी जा। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जा, जल्दी जा, मेरी बात मान। जा, जा ना। मीनू को हॉस्पिटल छोड़कर वापस आता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। क्या हो रघु? क्या हुआ? कुछ नहीं, उस हरामजादे हरामजादे बलबीर ने मुझ पर पीछे से वार कर दिया। देख, तू मेरी फिक्र मत कर, वो उधर गया है, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बल्लू, शीला देवी को दिया वचन तुझे याद है ना? बल्लू, नहीं रघु, मैं तुझे अकेला छोड़कर जा नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं होगा दोस्त, शीला देवी को दिया हुआ वचन निभाए बिना अगर मैं मर गया तो तुझ पर भी लानत होगी दोस्त, तुझ पे भी लानत होगी। हाँ, नहीं मेरे यार, तेरा दिया हुआ वचन पूरा होगा। हाँ, जरूर पूरा होगा। Thank you.
वही जगह है जहां तूने डीएसपी रंजीत सिंह को फांसी पर लटकाया था। उठ! बल्लू, बल्लू! उसे उसे हम नहीं मारेंगे, उसे शीला देवी मारेंगी। हमने शीला देवी को वचन दिया है, हमने शीला देवी को वचन दिया है। और मारिए। ये वही हाथ है जिससे तूने कई अबलाओं की आहुति लूटी है। जिससे तूने कई मासूमों के अरमान कुचले हैं। रुक जाइए, कानून को अपने हाथ से बदल दीजिए। कानून की किसी भी सजा का मुझे कोई डर नहीं। इसे मारने के जुर्म में कानून मुझे फांसी पर लटका देगा ना? या आप मेरी जान ले लेंगे? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन इसने मेरे पति को मार डाला और मुझे जिंदा किया था। रुक जाइए, रुक जाइए शिराजी। आपने क्या किया शीला जी? हाँ, मैंने इसे मार डाला क्योंकि इसका जीना जिंदगी और समाज दोनों के लिए अपमान था। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। नाम बेशक रघुनाथ शास्त्री, मगर हम है जाहिल निभट, हम गुंडा आदमी हैं। मगर इस वक्त आपसे यह कहने आए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने खून से आपके आत्मा के एक घाव को धोकर साफ करेंगे।